बाड़मेर के सनावड़ा से एक घटना सामने आ रही है, जहां पर दाई माँ द्वारा एक महिला का प्रसव कराया जा रहा था। उस वक्त उस महिला और उसके नवजात शिशु दोनों की ही मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से माँ और नवजात दोनों की ही मौत हो गई। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है दाई माँ पर। बताया जा रहा है कि दाई माँ ने एक बिना चिकित्सक की सलाह की वजह से वो इंजेक्शन लगाया था और उस इंजेक्शन की वजह से माँ और नवजात दोनों की ही मौत हो गई। दाई माँ का नाम मगी देवी बताया जा रहा है और जिस महिला का प्रसव कराया जा रहा था उस महिला का नाम झीणू देवी है और पत्नी नैनाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों को तला और सनावड़ा गांव बताया जा रहा है। और पुलिस थाना सदर वहां मौके पर पहुंची और दाई माँ के ऊपर कई एसटीएससी व अन्य धारा के द्वारा प्रकरण दर्ज किया और सदर थाना क्षेत्र के मेघवालों का तला सनावड़ा की घटना बताई जा रही है। क्या सूचना मिली थी और क्या रिपोर्ट दी है? ये महिला है जिसका नाम है झीणी देवी। झीणी देवी पत्नी नैनाराम जाति मेघवाल, जिसकी उम्र 30 साल है, निवासी मेघवालों का तला सनावड़ा है। तो परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि कल दिन में जो है प्रसव पीड़ाओं के दौरान इनके गांव की एक मगी देवी करके है जो दही है, जो डिलीवरी कराते समय प्रसव के दौरान उसने जो है परिवारजनों का कहना है कि उन्होंने दही ने इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से डिलीवरी भी हो गई थी और डिलीवरी के दौरान जो उसका बच्चा था वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया और बेहोश हो गई। वो झीणी देवी बेहोश होने पर यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों की FIR थाना पे देने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण जांच है श्रीमान CO साहब वर्त बाड़मेर द्वारा किया जा रहा है और अभी जो है परिवारजन श्रीमान कलेक्टर साहब के समक्ष गए हुए हैं ज्ञापन वगैरह देने के लिए और अभी जो है पोस्टमार्टम कार्रवाई होना शेष है। इस पोस्टमार्टम के लिए जो है मेडिकल बोर्ड से टीम गठित करवाई जा चुकी है लेकिन PM करवाना भी शेष है।